जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने समाज को ऐसे राहों पर ले जाना चाहते हैं। जाति को ही अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था कि ये जन्म लेते ही, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जन्म लेते ही अपराधी हैं। तो जब हम जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम सामाजिक पढ़ाई पढ़ेंगे, तो उतना हमारे दिमाग में आंदोलित होता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक टूटा बर्तन है उसे भी उसको बेच देना चाहिए, और हाथ पे रोटी और नमक खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो मेरे भाइयों, तुम शेर बन जाओ, तुम्हारी बलि नहीं दी जाती। इतिहास नहीं जानता है वो समाज उन्नति नहीं कर सकता है। तो हमारे समाज की, हम यहाँ जो जन्म जयंती की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है राजा सहलेश की जन्म जयंती इसी महीने अप्रैल में हुई है, इसी महीने में बाबा साहब की जयंती हुई है, इसी महीने में वीर शिरोमणि चौहरमल की जन्म जयंती मनाते हैं हम लोग। तो जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। और समाज का इतिहास जानने के लिए, चूंकि समय भी कम है और हमें कम शब्दों में भी बोलना है, और हम जानते हैं भगवान बुद्ध को वो पहली लड़ाई थी जिन्होंने सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़े थे, और उससे भी पहले लड़ाई हुई है जिसको कि प्रचारित किया गया देवासुर संग्राम। उस समय उस समाज के हम वंशज हैं, हम क्रांतिकारी हैं, ये समाज क्रांतिकारी है, ये जाति क्रांतिकारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी कहीं ना कहीं हत्याएं बलात्कार हो रही है। हमारा समाज क्रांतिकारी था, भगवान बुद्ध के पहले से एक क्रांति हुई थी, जिसकी लड़ाई हमारे समाज के योद्धा राजा राहु महाराज लड़े थे गया में बनासुर बाकासुर और राह बाबा को आज हम सहलेश बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन राह बाबा की पूजा का नाम, हम पूजा तो करते हैं, उनका नाम लेना हमारा समाज कम लेता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका नाम नहीं लेता, लेकिन कम लेता है। क्यों कम लेता है? क्योंकि राह बाबा वो विष्णु पद में विष्णु का वध किए थे। हमारे समाज के ऐसे योद्धा थे जो पहली लड़ाई लड़े थे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़े थे, समाज की लड़ाई लड़े थे। ये हमारा इतिहास है, हम वैसे इतिहास, वैसे पूर्वजों के हम वंशज हैं। संगठन की जहाँ तक बात है, तो संगठन का मतलब होता है कि हम निर्माता हैं, हम निर्माण कर रहे हैं, हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने समाज को ऐसे राहों पर ले जाना चाहते हैं जहाँ से हमारा समाज का उन्नति हो, हर क्षेत्र में विकास हो, पढ़ाई लिखाई में। महिलाओं की जहाँ तक बात है, और इस समाज का, मतलब इस समाज को इतना प्रताड़ित किया गया कि जिसको जन्म लेते ही अपराध की श्रेणी में रख दिया गया, अपराधिक, जिसको कि हाजिरी लगानी पड़ती थी, जाति को ही अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था कि ये जन्म लेते ही, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जन्म लेते ही अपराधी हैं, और उसको हाजिरी लगानी पड़ती थी अंग्रेजों के ज़माने में। ऐसे स्थिति पैदा कर दी गई है। आज का जो ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत मुद्दा है, पढ़ाई की तो बात है, पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम एकेडमिक पढ़ाई पढ़ें, शिक्षा का मतलब होता है हम सामाजिक पढ़ाई पढ़ें, सामाजिक एकता बनाएं, सामाजिक आंदोलन करें। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि हम जाके सड़कों पे बैठ जाए, नारेबाजी करें, ये आंदोलन का मतलब नहीं है। आंदोलन का शाब्दिक अर्थ होता है हलचल पैदा करना। तो जब हम जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम सामाजिक पढ़ाई पढ़ेंगे, तो उतना हमारे दिमाग में आंदोलित होता है। हलचल का मतलब होता है जब धरती पे हल चलती है तो
धरती पे जब हल चलती है तो मिट्टी को पलट दिया जाता है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने दिमागों को आंदोलित करें, और दिमागों को आंदोलित करके और उसके बाद हम अपने समाज में जाएं, हम अपने समाज को जागरूक करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा का महत्व को समझिए। बाबा संत गाडगे वो इस तरह से शिक्षा का महत्व को समझाए कि हमारा समाज इतने दरिद्रता में है कि उसको खाने के लिए नहीं है, उसके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, एक टूटा बर्तन है उसे भी उसको बेच देना चाहिए, और हाथ पे रोटी और नमक खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये शिक्षा का महत्व है। मैं जाते जाते मैं आप लोग को और हम इस समाज को ये कह के जाते हैं कि तुम शेर बन जाओ। बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो मेरे भाइयों, तुम शेर बन जाओ, तुम्हारी बलि नहीं दी जाती। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।